साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए रणनीतियां लंबे वक्त से तैयार की जा रही है कि कैसे भी करके केंद्र से सत्ता से बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हटाना है। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, वहीं शिवसेना यूबीटी के साथ साथ बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन की तैयारियों में जुट चुके हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिरकार सपा प्रमुख अखिलेश यादव किस तरीके से अब समर्थन में उतर आए हैं कांग्रेस पार्टी के। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जरा रुख किया जाए अगर साल 2017 पर, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता हुआ दिखाई दिया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरीके से इनविटेशन भेजा गया था तमाम विपक्षी दलों को, जिनकी विचारधारा कांग्रेस से मिलती है, और उस वक्त अपना दल कमेरावादी से सपा से विधायिका, सिराथू सीट से विधायिका पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर कहा था कि मैं प्रियंका गांधी वाड्रा से बातचीत करूंगी, वह चाहती हैं कि उनके दोनों ही बड़े भाई एकजुट हो जाएं, यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी। उनका कहना रहा कि 2024 में इस भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने को मिलेगा, लेकिन अब देखा गया कि राहुल गांधी की मोदी सर ने मानहानि केस के चलते जिस तरीके से सदस्यता रद्द हो गई, उसके बाद अखिलेश यादव उनके समर्थन में दिखाई दिए। यहाँ तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पीएम पद की दावेदारी के लिए राहुल गांधी आगे होते हुए नजर आए। तमाम नेताओं ने उनका समर्थन दिया, नीतीश कुमार, शरद पवार, वहीं दूसरी ही तरफ संजय राउत ने भी। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें समर्थन दिया सिर्फ और सिर्फ उनकी सदस्यता के मामले में। वहीं ममता बनर्जी का गुट भी उतरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन यहां पर हमदर्दी दिखाते हुए अखिलेश यादव ही नजर आए। लेकिन अब राजनीतिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी कांग्रेस के समर्थन में उतर आई है। जी हाँ, 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उनके लिए अब अखिलेश यादव ने अहम ऐलान कर दिया है, वह राजी हो चुके हैं कांग्रेस को समर्थन देने के लिए। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 2024 के चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने पर राजी हो चुके हैं। उनका रुख बदल चुका है, बड़ा बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि पार्टी अब तक कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम करार देती थी, लेकिन अब इसका विरोध कर रही है। अखिलेश यादव ने अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी से प्रमुख ममता बनर्जी के राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता के बयान पर भी अपनी बात रखी। उनका कहना है कि जो पार्टी जिस राज्य में मजबूत है उसे वहां चुनाव लड़ना चाहिए। अखिलेश यादव का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और अन्य दलों को भी यही राय है। फिलहाल देखा जाए यहां पर विपक्षी एकता की चर्चा पर नीतीश कुमार ने बीते पिछले लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की और अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ जुड़ने पर चुप्पी साधे हुई थी, लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी मैदान में उतर आई है। अखिलेश यादव नेताजी के चले जाने के बाद इस पार्टी को नेशनल लेवल पर पहुँचाना चाहते हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं। अखिलेश यादव को लेकर चाचा शिवपाल सिंह यादव कहते हैं कि 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के पद पर होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन हो जाता है तो पीएम पद के लिए किसे आगे किया जाएगा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार या फिर यहां पर अखिलेश यादव को। ये बेहद बड़ा और अहम सवाल बनता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।